सतर्कता बरत रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो विभिन्न इकाई है ATS, STF, सिविल पुलिस, GRP और RPF, ये सभी लोग द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है और हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर घटना है, रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। मैं आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश GRP की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94 54 40 25 44, 9454402544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। आपके सूचना गोपनीय रखा जाएगा, जो लाभभद्र सूचना देगा उनको हम पुरस्कार भी देने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरह की घटना हुआ है, आपको लगता है सोची समझी अरेस्ट किया जा चुका है, डिरेल करने की साजिश थी, पूरा प्री प्लान था? ये जिस प्रकार की जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है। सतर्कता बरत रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो विभिन्न इकाई है ATS, STF, सिविल पुलिस, GRP और RPF, ये सभी लोग द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है और हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर घटना है, रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। मैं आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश GRP की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94 54 40 25 44, 9454402544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। आपके सूचना गोपनीय रखा जाएगा, जो लाभभद्र सूचना देगा उनको हम पुरस्कार भी देने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरह की घटना हुआ है, आपको लगता है सोची समझी अरेस्ट किया जा चुका है, डिरेल करने की साजिश थी, पूरा प्री प्लान था? ये जिस प्रकार की जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है।